कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज हार्दिक स्वागत है आज के साइंटिफिस्ट प्रोग्राम में। तो हम आपका हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं इस्कॉन बिलासपुर की तरफ से। तो आज हम क्लास शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से आशीर्वाद की याचना करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से वरिष्ठ हैं, अधिकतर सभी लोग, कुछ उम्र में होंगे तो कुछ भक्ति में होंगे, लेकिन सभी लोग वरिष्ठ ही हैं। तो एक छोटा होने के कारण मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ ये व्यासासन है, श्री व्यासदेव जी का आसन है। तो यहाँ पर मैं जो भी बोलूँ भगवान की कृपा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, आप सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए बोलूँ। और यदि कुछ गलत है, आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आपके पास अधिकार है मुझे करेक्ट करने के लिए। तो आप मुझे कृपया आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। मुखम करोति लाभ मुखम करोति वाचालु पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिरुभव है। तो ये बाबा जी हैं, जनरली हम जब कभी ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं या फिर हमारा तिलक लगाते, गौड़िया वैष्णव तिलक लगाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग हमें अलग अलग तरीके से पुकारते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब आप धोती कुर्ता पहनकर जाते हैं, बाबा जी, गुरु जी, महाराज। लेकिन अब हम इनका सही में अर्थ जानेंगे तो हमें पता चलेगा ये बहुत बड़ी पदवी है। महाराज बोलना या बाबा जी बोलना, गुरु जी बोलना, ये बहुत बड़ी पदवी है। तो कई बार हम लोग भी, ठीक है कौन ज़बरदस्ती उनसे वार्तालाप करेगा, तो हम लोग ऐसा स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है धन्यवाद, है ना। जैसे कोई महाराज बोला तो ठीक है हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बाबा जी क्या होते हैं, महाराज क्या होते हैं, गुरुजी क्या होते हैं। ये बहुत बड़ी है पदवी है। भगवद गीता में कर्म संन्यास के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो कर्म संन्यास मतलब जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से परम हंस वाले स्टेज पर पहुंच जाता है। हंस का मीनिंग क्या होता है? हंस, हंस आप लोगों ने देखा होगा। तो हंस जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? शुद्ध पानी में रहते हैं, मानसरोवर में, शुद्ध पानी में रहते हैं, है ना। और परम हंस मतलब उससे भी ऊपर, शुद्ध से भी ऊपर, मतलब वो शुद्ध सत्व गुण के स्तर पर होते हैं। ये एक अलग टॉपिक होता है कि हम शुद्ध सत्व स्तर के बारे में जाने, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो भगवान की परम सेवा में जुड़े हुए हैं, है ना। उनको हम बोलते हैं बाबा जी। तो उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपने भजन पर करते हैं और अपने उदाहरण से, अपने व्यवहारों से सिखाते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो इसी में आज जो त्रिभुव है, त्रिभुव का मतलब होता है आप्रकट का दिन। तो आज आप्रकट का दिन है, वो है श्रील जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज का। हमारे परम गुरु कौन हुए? श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के गुरु कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके गुरु कौन? गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज। उनके गुरु कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। और उनके गुरु कौन? श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ये श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कौन है? ये भक्ति विनोद ठाकुर के भी गुरु हैं, तो उनके शिक्षा गुरु माने जाते हैं। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में भी हम आपको बताएंगे, उसके पहले हम चलते हैं थोड़ा सा कि देखते हैं ये सब क्यों आए, किस लिए आए। तो ऐसा बताया जाता है कि शास्त्रों में जो कलयुग है ये टोटल कितने एज का है, कितने उम्र का है? 4,32,000 साल का। त्रेता युग इससे दोगुना, द्वापर युग इससे दोगुना, त्रेता युग इससे 3 गुना और सत्ययुग इससे 4 गुना। मतलब 4,32,000 को आप 4 से गुणा करेंगे तो वो बनता है सत्ययुग। जब हम सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक चतुर्युग बनता है। ये एक चतुर्युग हुआ। जब ऐसे 1,000 चतुर्युग होते हैं तो वो बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन। कितना? ब्रह्मा जी का एक दिन, वो केवल 12 घंटे, ना कि 24 घंटे। और वैसे दूसरा चतुर्युग होता है तो वो कितने बनते हैं? ब्रह्मा जी की एक रात। तो टोटल हो गया ब्रह्मा जी के 24 घंटे, मतलब 2,000 चतुर्युग, है ना। ये क्या हो गए? ब्रह्मा जी की एक दिन एक रात, तो इसको टोटल बोलते हैं पूरा दिन। तो ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन और पूरी एक रात में भगवान कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं। आपने देखा द्वापर युग में कौन आए? भगवान श्री कृष्ण आए। और अभी कलयुग में कौन आए?
श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसका मतलब क्या भगवान नहीं आते? नहीं, भगवान आते लेकिन भगवान स्वयं नहीं आते। जैसे राम भगवान कौन है? भगवान है, हाँ भगवान है, लेकिन भगवान के अवतार हैं। कौन है वो? भगवान के अवतार है, ना कि भगवान। भगवान ही है लेकिन स्वयं भगवान नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एते चाम से कला पुष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो वो ब्रह्मा जी के एक दिन में दो बार आते हैं, पहला कब? कृष्ण के रूप में, और दूसरे कब? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो हम देखते हैं भगवान की जो भी, जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो पूरी तरीके से जो सृष्टि की रचनाएं हैं इस तरीके से होती हैं कि जो ब्रह्मा, जो भगवान की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। क्या हो जाए? भगवान की इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। तो अभी हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं इस कलयुग में, तो उनके साथ बहुत सारे परिकर आने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है ये 10,000 साल तक चलेगा, 10,000 साल तक। तो ये व्यवस्था कैसे होती है देखिए। अभी क्या हुआ, जब 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए तो हाँ उस समय परीक्षित महाराज थे। भगवान के जाने के बाद परीक्षित महाराज ने रूल किया और बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। लेकिन क्या हुआ, उसके पश्चात कलयुग का आना स्टार्ट हो गया। अभी कलयुग आ गया, आपने पढ़ा होगा भागवत में, पहले इसके अंदर बताते हैं कलयुग कैसे आता है। तो कलयुग आया, तो कलयुग के लिए फिर हमारे व्यासदेव जी ने क्या किया, अलग अलग शास्त्र रचे कि ठीक है, लोग बात क्या है, श्रुति धर तो नहीं है, सुन तो नहीं सकते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है सुन लेंगे और एक बार याद हो जाएगा उनको। तो उन्होंने शास्त्रों की रचना की और शास्त्रों में अलग अलग तरीके से शास्त्र लिखे। उसमें एक सेक्शन आता है कर्मकांड का, एक कर्मकांड एक सेक्शन है। कर्मकांड क्या होता है कि आप भगवान की पूजा अर्चना करो, है ना, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते तो आप बाकी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करो, उनके लिए आपको कुछ बलि देनी होगी और बलि के बाद आप क्या करते हैं उनकी पूजा भी हो जाएगी। और आप कुछ इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, कुछ मांस वगैरह खाना चाहते हैं तो आप वो भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जब आए व्यासदेव जी के रूप में तो उन्होंने एक कर्मकांड वाला सेक्शन लिखा। लेकिन क्या हो गया कि बहुत सारे लोग क्या करने लग गए, ये कर्मकांड के नाम पर ना जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको निहत्या करने लगे, उनको हत्या करने लगे। किसके लिए? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। कोई पूजा वूजा सब साइड में रख दिए, क्या कर दिए खाली, वो हत्या करके उनको खाने पीने लग गए। तो इससे भगवान बहुत दुखी हुए और ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे आप हम लोग देखते हैं आजकल स्लॉटर हाउसेस खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, तो दुकानों पे आपको लगता है कोई बलि वगैरह देते होंगे, वो नहीं, वो खाली काटते हैं और बेचते हैं इस तरीके से। तो ऐसा उस समय भी हुआ। तो भगवान ने कहा कि अभी तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तो भगवान किसके रूप में आते हैं? नहीं, गौतम बुद्ध के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? तो गौतम बुद्ध का आना वो भगवान का ही निर्णय था। तो गौतम बुद्ध कौन है? भगवान स्वयं। तो गौतम बुद्ध के रूप में आते हैं और उन्होंने कहा कि आप लोग शास्त्र मत पढ़ो, ये शास्त्र गलत है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये मांस जो बेच रहे हैं, खा रहे हैं लोग, है ना, जानवरों की हत्या कर रहे हैं, इसको रोकना था उन्हें। तो उन्होंने कहा आप कोई भी शास्त्र मत पढ़ो, आप केवल एक ही चीज़ का पालन करो, अहिंसा ही परम धर्म है, कि अहिंसा, बस अहिंसा करना, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए चैतन्य, देखिए गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं है, है ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा, शास्त्रों को आप मत पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या हो गया कि बुद्धिज्म फैल गया, लोग अब शास्त्र ही नहीं पढ़ रहे। और बुद्धिज्म में अभी देखेंगे बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट अशोक क्या आपने नाम सुना होगा, है ना, तो सम्राट अशोक वो भी गौतम बुद्ध के साथ हो गए। और पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी में केवल एक ही रिलीजन था, एक ही धर्म था, वो क्या था, बुद्ध, बौद्ध धर्म। तो सब लोग केवल क्या करने लग गए, मेडिटेशन वगैरह करने लग गए, सब करने लग गए, है ना, ध्यान वगैरह करने लग गए, और कोई भी शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा था। जब तक कोई शास्त्रों को नहीं पढ़ता है तो भगवान के नज़दीक जा ही नहीं सकता है, है ना, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्ति शास्त्रों के रूप में डाली हुई है। तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्रों से ही हमें पता चलता है भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं किसके कारण? श्रील प्रभुपाद जी के कारण, जिन्होंने शास्त्र दिए हैं, भगवत गीता भागवतम दिया, इसलिए हम लोग ये सब जान पा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध तो चले गए, है ना, बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मतलब भगवान थे वो तो चले गए वापस। लेकिन फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म फैल गया पूरी दुनिया में, तो अभी इसको रोकना था। तो अभी चेतन, अभी भगवान ने क्या कहा, भगवान कृष्ण शंकर को भेजा, बोला कि आप जाओ और इसको पूरा हटाओ और शास्त्रों की स्थापना करो, करो कि शास्त्र ही सब कुछ है। तो फिर कौन आए, भगवान शंकर, किसके रूप में,
शंकराचार्य के रूप में, किसके रूप में? आदि शंकराचार्य, जिनका हम नाम सुनते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने क्या किया, शास्त्रों की स्थापना की, लेकिन उन्होंने एक चीज बताई क्या, कि हम और भगवान एक ही हैं। हम अभी बद्ध अवस्था में हैं, जब हम ऊपर उठेंगे, एलिवेट होंगे, ऊपर उठाएंगे अपने आप को, तो हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने शास्त्रों की स्थापना की। अभी आप कहेंगे कि अरे उन्होंने डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं बताया कि भगवान की भक्ति करो, ये करो वो करो, नहीं, वो हमें वैष्णव लोगों को बचाना चाहते थे। किसको बचाना चाहते थे? वैष्णव को, ये वैष्णव सिद्धांत को बचाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था यदि मैं डायरेक्ट वैष्णव सिद्धांत दूंगा यहाँ पर तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, जो डेमस लोग हैं, जो क्या कहते हैं राक्षस लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग भी वैष्णव धर्म को पकड़ लेंगे और उसको तोड़ मोड़ के पेश करेंगे। तो उन्होंने डायरेक्ट वैष्णव सिद्धांत नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, वैष्णव सिद्धांत किस तरीके से रक्षा की, किसने? आदि शंकराचार्य ने। तो अभी उन्होंने कहा कि हम भी भगवान हैं, लेकिन अभी बद्ध अवस्था में, जब मुक्त अवस्था में होंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। फिर ये चलता रहा। तो फिर लेकिन आप देखिए, शंकराचार्य कोई एक आदि, हम देखिए हम कभी नहीं बोलते हैं कि जो आदि शंकराचार्य हैं वो गलत हैं। आदि शंकराचार्य सही हैं, गौतम बुद्ध सही हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है, उनकी जो दर्शन है, वो क्या है, गलत है। वो किसके इच्छा से हो रहा है? भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को आना है, हम बताएंगे कैसे। फिर उसके बाद अभी शंकराचार्य के सिद्धांत को भी मिटाना था, मायावाद सिद्धांत को मिटाना था, तो फिर कौन आए? रामानुजाचार्य आए, माधवाचार्य आए, विष्णु स्वामी आए। तो चार प्रकार के वैष्णव सिद्धांत आए, चार प्रकार के वैष्णव संप्रदाय हम पढ़ते हैं, कुमार श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और मध्व संप्रदाय। ये चार प्रकार के संप्रदाय है, ब्रह्म, श्री, कुमार और रुद्र। और हम कौन से संप्रदाय में आते हैं? ब्रह्म संप्रदाय में। तो ब्रह्म संप्रदाय में क्यों? क्योंकि मध्वाचार्य हमारे गुरु हुए, जिन्होंने खुद ये ज्ञान प्राप्त किया, किससे? वेद व्यास जी से। वेद व्यास जी ने ज्ञान प्राप्त किया नारद मुनि से, और नारद मुनि ने किससे प्राप्त किया? किससे? ब्रह्मा जी से। अभी आप लोग दामोदर लीला के बारे में तो सब लोग जानते हैं, दामोदर का महीना गया था, कार्तिक का महीना, तो आपको पता है कि कैसे भगवान माता यशोदा का स्तनपान कर रहे थे, फिर उन्होंने मटकी फोड़ दी, यशोदा मैया उनके पीछे पड़ जाती हैं और उनको तोड़ती रहती हैं, पकड़ती हैं, पकड़ के उनको बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो थक जाती हैं और बांध नहीं पाती हैं। तो इसके बाद क्या होता है, वो बांधती हैं, थक जाती हैं, जब भी वो बांधने का प्रयास करती हैं तो ढाई अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, केवल ढाई अंगुल। तो फिर वो रस्सी को जोड़ती हैं, फिर बांधती हैं, फिर रस्सी ढाई अंगुल छोटी पड़ जाती है, तो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो जब भगवान इस तरीके से अपनी माता को हताश होते हुए देखते हैं तो क्या करते हैं, वो बंध जाते हैं। तो भगवान किससे बनते हैं? प्रेम से। तो भगवान बनते हैं प्रेम से। तो ये लीला जब हुई, तो जब भगवान बहुत छोटे थे, कहाँ पर हुई लीला? वृंदावन में हुई। लेकिन जब भगवान बड़े हुए, मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, तो द्वारका में उनकी मदर कौन थी, माँ कौन थी? माता देवकी। तो माता देवकी के मन में भी इच्छा हुई कि मेरे को भी भगवान की वो दामोदर लीला, देखिए भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं और सभी लीलाएं एकदम मधुर है, लेकिन दामोदर लीला का एक अलग ही रूप है। जो भी इसको सुनता है ना ऐसा सत्यवत मुनि बताते कि जो भी इस लीला को सुनता है उसके मन में, उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो ही जाएगा, कृष्ण प्रेम। इसलिए दामोदर महीना, कार्तिक महीना, हम लोग वैष्णव लोग ही नहीं मनाते हैं, बाहर के लोग भी इस महीने को मनाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं होता उद्देश्य, लेकिन हमको पता होता है क्योंकि हम लोग रूपा जी से प्राप्त किए हैं। तो देवकी मैया के मन में भी इच्छा प्रकट हुई कि हम भी क्या करते हैं, इस का आस्वादन करते हैं, इस लीला का। तो उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे भी इस लीला का आस्वादन करना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, द्वारका को क्या बना दिया, मथुरा बना दिया। भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, परम शक्तिशाली, भगवान के 6 ऐश्वर्य में 1 ऐश्वर्य है। तो भगवान ने थोड़ी देर के लिए वो द्वारका को क्या बना दिया, मथुरा बना दिया। और फिर क्या करने लग गए भगवान श्री कृष्ण, तो देवकी मैया क्या करने लगी, दही मतने लग गई। और भगवान ने क्या किया, वो लकड़ी ली, दही मतने वाली, और रस्सी ली, और दोनों को लेके भाग गए। अब भागे जा रहे हैं, और यशोदा मैया क्या कर रही हैं, उनको पकड़ रही हैं। वो भाग रहे हैं, और भागते जा रहे हैं, वो पकड़ने के लिए दौड़ते जा रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं, लेकिन देवकी मैया नहीं पकड़ पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई? नहीं, प्रेम तो था, लेकिन ये वृंदावन वाला प्रेम नहीं था, क्योंकि भगवान अभी द्वारका कृष्ण नहीं रहे, वो कौन हो गए,
वृंदावन कृष्ण हो गए। द्वारका कृष्ण को पकड़ सकती थी, लेकिन ये वृंदावन वाले कृष्ण हैं तो इनको पकड़ना आसान नहीं है। तो देखिए, जब वो एक लाठी और एक रस्सी उसको लेके दौड़े और देखे हुए नहीं पकड़ पाए, तो यहाँ पे ये लीला समाप्त होती है। अभी ये जो कृष्ण है वो लकड़ी और रस्सी लिए हुए वो द्वारका में रह रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कौन है? वृंदावन कृष्ण है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़े चंदन के रूप में, चंदन के अंदर वो बह के जाते हैं एक जहाज में, जहाज में जाते हैं और वहाँ पर शिला मध्वाचार्य को मिलते हैं। कहाँ पर? उडुपी क्षेत्र में। आप लोग उडुपी गए हैं कुछ लोग? उडुपी ये साउथ इंडिया में एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, उडुपी क्षेत्र। यहाँ पे उडुपी कृष्ण है, यहीं पे मध्वाचार्य का जन्म हुआ था और यहीं से हमारा मेन जो मध्व संप्रदाय है यहीं से स्टार्ट हुआ था, मध्वाचार्य से। तो उडुपी क्षेत्र है कर्नाटक में, 2 साल पहले हम लोग गए थे वहाँ पर। तो उडुपी कृष्ण में क्या हुआ कि एक बार एक जहाज आ रहा था, तो जहाज बहुत आंधी तूफान में ऐसा टहल वहल होने लग गया। तो वो उसका जो कैप्टन थे जो आ रहे थे जहाज को, एक व्यापारी था, तो वो डर गए, तो उन्होंने दूर से आवाज़ लगाई। तो वहाँ पर मध्वाचार्य वो समुद्र में गए हुए थे, तो उन्होंने उनको सुना, उनकी प्रॉब्लम सुनी और उन्होंने क्या किया, जस्ट केवल एक हाथ से इशारा किया और जहाज सीधी होके अपने आप किनारे पे आ गई। तो व्यापारी बहुत बड़ा खुश हुआ और उसने मध्वाचार्य को एक बहुत बड़ा संदूक दिया। उस संदूक में क्या था? ये चंदन का एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो उन्होंने कहा, इतना बड़ा चंदन में क्या करूँगा? बोले, नहीं आप लेके जाइए, हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है ना, गोपी चंदन। तो गोपी चंदन द्वारका में मिलता है, आप लोग द्वारका जाएंगे तो आप देखेंगे, गोपी का जो रज है, शरीर का रज है ना, उसकी मिट्टी है गोपी चंदन जो हम लोग लगाते हैं, तो वहाँ पे गोपी तालाब है द्वारका में। तो वो चंदन को लेके आया, उन्होंने जब उसको फोड़ा तो उसके अंदर क्या मिला? भगवान का विग्रह है। किसके रूप में? भगवान क्या लिए हुए हैं? वो लाठी लिए हुए हैं जिससे चंदन मतते हैं और वो रस्सी लिए हुए हैं। आप अभी भी जाएंगे तो अभी भी वहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटे से कृष्ण हैं, बहुत अच्छे भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना होती है वहाँ पर। तो वो कौन है? वृंदावन कृष्ण है। तो जब वो वृंदावन कृष्ण मध्वाचार्य को मिले, क्यों? क्योंकि उन्हें वो वृंदावन वाले जो प्रेम का आस्वादन करना था मध्वाचार्य से। तो इसलिए जो हमारी परंपरा है ना, हम भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं, उनकी ही हम आराधना करते हैं, उनकी हम साधना भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे हुए हैं। तो कहाँ से आती है? हमारे मध्वाचार्य से। तो फिर वहाँ से वो परंपरा स्टार्ट होती है आती है। तो उनके भी एक शिष्य हुए, उनके शिष्य हुए, एक शिष्य हुए लक्ष्मी तीर्थ, उनके शिष्यों के शिष्यों के शिष्य। और लक्ष्मी तीर्थ कौन है? ये माधवेन्द्रपुरी के गुरु हैं। आप माधवेन्द्रपुरी को शायद जानते होंगे, माधवेन्द्रपुरी भी हमारे गौड़िया वैष्णव के एक बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, पहले कहीं भी राधा और कृष्ण की पूजा नहीं होती थी। किसकी पूजा होती थी? केवल कृष्ण भगवान की या रुक्मणी कृष्ण की। हम देख जाते हैं महाराष्ट्र में तो विट्ठल और रुक्मणी को देखते हैं, विट्ठल रुक्मणी को, तो केवल विट्ठल और रुक्मणी की पूजा होती थी। राधा क्या है? ये परकिया भाव है भगवान श्री कृष्ण का, है ना, परकिया भाव है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो राधा कृष्ण की पहले कभी पूजा नहीं होती थी, लेकिन माधवेन्द्रपुरी ने इसको स्टार्ट किया। तो मध्व संप्रदाय में भी कभी स्टार्ट नहीं किया, मध्वाचार्य ने भी कभी नहीं दिया ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज होता है, लेकिन माधवेन्द्रपुरी ने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि किसी जीवात्मा को गोलोक वृंदावन जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? राधा कृष्ण की ही पूजा करनी पड़ेगी। बिना राधा की, राधा रानी की पूजा किए बिना हुआ किए बिना बिना उनकी कृपा के हम भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी कृपा के कारण, उनका जो दया भाव था है ना, उसके कारण उन्होंने हमें राधा कृष्ण की अर्चना की विधि बताई। तो वहाँ से वो हमारा संप्रदाय होता है। फिर माधवेन्द्रपुरी के शिष्य हुए कौन? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के शिष्य हुए कौन? चैतन्य महाप्रभु। अभी देखिए सब पूरी योजना क्यों हुई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को आना था। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु आए किसके किसके रूप में? 5 तत्वों के रूप में। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्ता अवतारम भक्ताख्यम नमाभिभक्त शक्ति को। ये पंच तत्व आप देखते हैं यहाँ पर, पंच तत्व की आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो है, 5 हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, भगवान बलराम, भगवान महाविष्णु और सदाशिव, उसके बाद राधा रानी जो कि गदाधर पंडित हैं, और उसके बाद नारद मुनि है ना, योगी श्रीवास ठाकुर है। ये 5 तत्व हैं, ये एक ही हैं। कौन है? भगवान कृष्ण। लेकिन अपना विस्तार करते हैं, पहले कौन है? 5 तत्वान मकम कृष्णम। ये 5 तत्व कौन है? भगवान एक ही हैं, एकम कृष्णम, कृष्ण ही है वो। लेकिन किसके रूप में आते हैं? 5 रूपों के रूप में आते हैं। पैसा,
भक्त रूप, वो भक्त के रूप में आए हैं, स्वयं भगवान भगवान कृष्णा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। किस लिए? हमको सिखाने के लिए। हम लोग जाते हैं ना स्कूल में, जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग स्कूल में जाते थे, या हमारे बच्चों को हम भेजते हैं, तो बच्चे लोग पढ़ते नहीं वहाँ पर, है ना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, है ना, पेरेंट्स क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप नहीं तो अध्यापक, वो खुद हाथ पकड़ के लिखाते आ आवड़ा आ, है ना, इस तरीके से ए फॉर एपल बी फॉर बॉल। हमें ऐसा लगता है कोई देखकर कि ऐसा लगे कि वो जो माँ बाप है वो लिख रहे हैं। क्या वो लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं, लेकिन वो सिखा रहे हैं किसको? बेटे को। तो भगवान भी हमें सिखा रहे हैं उनके उदाहरण से, ऐसे करना है भक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति करके सिखा रहे हैं कि भक्ति भगवान की ऐसे की जाती है, है ना। तो भगवान खुद है पांच तत्वों के रूप में। कौन? भगवान स्वयं कृष्ण है, भक्त रूप। उसके बाद तत्वात्मकम कृष्णम, भक्त रूप स्वरूप, भगवान के स्वरूप, भगवान के स्वरूप, भगवान के जैसे ही हैं, भगवान के जैसे ही दिखते हैं, है ना। कौन है वो? बलराम जी। कृष्ण और बलराम जी में अंतर क्या है? कृष्ण और बलराम जी में अंतर क्या है? केवल कॉम्प्लेक्शन का, केवल कलर का। भगवान काले हैं और बलराम जी गोरे हैं, बस इतना अंतर। तो स्वरूप एक ही है, है ना, लेकिन वो थोड़े से बस वो काले और गोरे, ये प्रभुपाद जी बताते थे। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम भक्त अवतारम, भगवान के अवतार। तो भगवान के अवतार होते हैं चलिए, भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। पहले जब भगवान आते हैं, फिर बलराम जी आते हैं, फिर शंकरशन आते हैं, है ना, फिर उसके बाद वासुदेव शंकरशन, प्रद्युम्न अनिरुद्ध आते हैं, फिर आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु तो महाविष्णु कौन है? अद्वैत आचार्य जी, ठीक है। भक्त अवतारम भक्ताख्यम, भक्ताख्यम मतलब भगवान के परिकर, वो कौन है? शीला नारद मुनि। उसके बाद भगवान की शक्ति, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। देखिए सब भगवान श्री कृष्ण ही, नारद मुनि जी भी कौन है? भगवान कृष्ण का ही अवतार है, सक्ता वे अवतार बोलते हैं हमको, कौन? नारद मुनि को। तो ये सब पंच तत्व जो हैं, ये कौन है? भगवान ही है, भगवान स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में आए हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने समझा कि ये पंच तत्व है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके बारे में मुझे बोलने आ गया कि पंच तत्व बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। अभी क्या हुआ, चेतन महाप्रभु आए तो उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं दी। किसको दी? छह गोस्वामी को दी, है ना, जो हम देखते हैं रूप रघुनाथ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब लोगों को शिक्षाएं दी। लेकिन जब वो शिक्षाएं दी, वो इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं हैं, आप संदर्भ वगैरह पढ़े, हमने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने सुना है खाली। एक हमारे डिवोटी हैं राधिका रमन प्रभु, अमेरिका में रहते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं संस्कृत के, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, कभी स्कूल नहीं गए। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको माँ बाप को पता था ये अमेरिका है, यहाँ पर हम स्कूल में भेजेंगे तो बच्चा गया हमारा, तो उन्होंने स्कूल नहीं भेजा, उनकी होम स्कूलिंग करवाई, घर पे उनको पढ़ाया, घर पे टीचर को बुलाते थे, पढ़वाते थे, खुद ही भी पढ़ाते थे। इस तरीके से बड़े हुए राधिका रमन भी। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने फिर संस्कृत में अपना रुचि दिखाई, और धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने एक जो जीवा गोस्वामी के षट संदर्भ हैं, छह प्रकार की बुक है उनकी, उस छह प्रकार की बुक में एक संदर्भ है कृष्ण संदर्भ। उस कृष्ण के संदर्भ के उन्होंने एक छोटा सा श्लोक लिया, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च इतना ज़बरदस्त हुआ कि उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री मिल गई। आप सोचिए, आप समझ सकते हैं गोस्वामी इन्होंने जो लिखा है उसके एक एक श्लोक पे क्या हो सकता है, एक एक पीएचडी आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे जीवा गोस्वामी ने कितने वर्ष लिखे हैं? 400,000 वर्ष लिखे हैं, इतने वर्ष किसी ने अपने जीवन में नहीं लिखे। स्वयं व्यासदेव जी ने भी 400,000 वर्ष नहीं लिखे, जितने वर्ष कितने लिखे हैं? शीला जीवा गोस्वामी ने। तो ये शिक्षा चेतन महाप्रभु ने अपने शिष्यों को दी, जो कि गोस्वामी लोग थे। आप क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट कोई सेंटिमेंटल मूवमेंट नहीं है कि भावनाओं से जुड़ गया है, इसकी शिक्षा है, इसके पीछे साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। तभी आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े जो सच में थॉटफुल होते हैं, विचार करते हैं, वो इस मूवमेंट से जुड़ते हैं। भगवान बोलते हैं ना कि केवल जो चतुर व्यक्ति हैं वही मेरे पास आते हैं। चतुर व्यक्ति मतलब वो नहीं कि जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लिया है, चतुर व्यक्ति मतलब जो बहुत विचार करता है अपने जीवन से लेके। डिग्री तो कोई भी हासिल कर सकता है, थोड़ा सा पढ़ोगे रट्टा मारोगे डिग्री हासिल कर लोगे, है कि नहीं। तो उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी, लेकिन क्या हुआ, वो शिक्षाएं धीरे धीरे उसके बाद उनके शिष्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, वो सब आए। तो बलदेव विद्याभूषण के बाद एक छोटा सा ब्रेक आ गया हमारी परंपरा में, है ना।
परंपरा में ब्रेक आ गया। मतलब क्या है कि वो जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, आप चैतन्य चैतन्य के बारे में सुनते होंगे, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है ये, गोस्वामी के संदर्भ उनकी लिखी हुई बुक, ये किसी को पता नहीं था कहाँ गई बुक्स, कहाँ चली गई, अचानक से गायब हो गई। तो इनको जब बाद में जो उनको प्रोटेक्ट किया, उनकी जो रक्षा की, बहुत ही शीला जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, कौन थे वो, शीला जगन्नाथ दास बाबू महाराज। अब आप समझ गए होंगे मैं जगन्नाथ इतना बड़ा परंपरा क्यों बोला, क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का हमें बताना था कि चैतन्य महाप्रभु जो आने वाले हैं 10,000 साल तक, उनका जो मूवमेंट चलने वाला है ये कैसे चलेगा, ये सब आचार्यों के द्वारा ही चलेगा, और सब आचार्यों को आना है, तो ये महाप्रभु की इच्छा है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आए, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तो वैसे बहुत अनपढ़ थे, ऐसे आप देखेंगे ना तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो इलिटरेट थे, मतलब कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, जो सिद्धांत को बचा कर रखा है, उन्होंने कहा, आप देख आज मायापुर जाते हैं, आप लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग मायापुर जाते हैं, मायापुर किसने खोज की, जगन्नाथ दास बाबा महाराज, भक्तिनाथ ठाकुर ने खोज की, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी ने सिद्ध किया कि यही मायापुर है ना। तो हम थोड़ा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में जानेंगे, उनसे कुछ शिक्षा जो मिलती है हमें वो हम स्वीकार करेंगे। अभी आधा घंटा है, तो आधा घंटा हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम देखते हैं कि उस समय चेतन चैतन्यमिथ या बड़े काफ़ी बड़े बड़े शास्त्र थे, उनकी भी कॉपी अवेलेबल नहीं थी, उनको शास्त्र भी मिल नहीं रहे थे, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उनको बचाया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कौन है, तो अभी हम देखते हैं बांग्लादेश जो पहले बंगाल का हिस्सा था, तो वहाँ पर एक तीर्थंकर के एक जगह है, तो वहाँ पर वो एक बहुत बड़े बहुत उच्च परिवार में उनका जन्म लिए थे, लेकिन जन्म से ही उनके भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत रुचि थी, और वो वृंदावन चले गए, और वृंदावन में गोवर्धन आप लोगों ने देखा होगा, तो गोवर्धन के नज़दीक एक सूर्य कुंड है, तो वहाँ पर वो रहते थे, और वहाँ पर वो भगवान का भजन करते थे, और थे कौन, बाबा जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बाबा जी कोई एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी अवस्था है आध्यात्मिक मार्ग में। तो बाबा जी संन्यास लिए वहाँ पर, वो तो वहाँ पर वो अपना भजन कर रहे थे, लेकिन भजन करने के बाद उन्हें थोड़ा, एक्चुअली कोई भी जो जितना बड़ा भक्त होता है ना, जितना बड़ा भक्ति में ऊपर होता है, वो उतना ही दैन्य होता है, मतलब बहुत हम्बल होता है, अपने आप को बहुत तुच्छ समझता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपने आप को बहुत तुच्छ समझते थे, बोलते थे मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, इतने बड़े भक्त होकर वो सोचते हैं मैं भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग कई बार ऐसा लगा कह रहे हैं हमें बहुत भक्ति कर रहे हैं, अभी क्यों आज संडे को क्यों जाना है, हमें पिछले संडे तो गया था ना, कई बार ऐसा मन में विचार आ जाता है ना, लेकिन जो उच्च स्तरीय भक्त होता है वो साधना भक्ति का उतने ही अच्छे तरीके से पालन करता है, क्योंकि अपने आप को तुच्छ समझता है, उसे मालूम है कि मेरी भक्ति में कोई दम नहीं है, वैष्णव की कृपा है, वैष्णव की कृपा को हमें प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं कैसे भगवान की कृपा को प्राप्त करूँगा, मुझे जाना चाहिए, कहाँ, नवदीप जाना चाहिए, मुझे वृंदावन से कहाँ जाना चाहिए, नवदीप, क्योंकि यहाँ पर मैं रहता हूँ अपराध हो जाते हैं मुझसे, अपराध होंगे तो मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूँगा, है ना। इसलिए हम जब भी दश अपराधों का उच्चारण करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें अपराधों से बचना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत अपराध करता हूँ, मैं कैसे बचूंगा, है ना, मैं अपराधों से कैसे बचूंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से कहाँ आ गए, नवदीप धाम आ गए। नवदीप धाम क्या है, औदार धाम बोलते हैं, औदार्य धाम, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहाँ पर हमेशा रहते हैं, तो वहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु अवतार है, भगवान कृष्ण का बहुत ज़्यादा कृपालु अवतार है, भगवान कृष्ण से भी कृपालु अवतार है। हम भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण गाते हैं, क्या गाते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु, वो करुणा के सिंधु है, सागर है वो, लेकिन सिंधु का भी तो तट होता है कि नहीं होता है, सिंधु का भी एक तट होता है, सागर आप जाएंगे तो सागर का भी बीच होता है ना, तो कृपा तो है लेकिन उसका एक तट है, ठीक है बहुत कृपालु लेकिन उसका तट है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कोई तट नहीं है, वहाँ कृपा ही कृपा भरी हुई है, किसकी, चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण का सबसे कृपालु अवतार कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो वहाँ पर वो नवदीप में वो हमेशा क्या करते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, अभी भी आप जाएंगे तो अभी भी अवतार लेकिन हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन भगवान जो उच्च स्तरीय लोग रहते हैं वो समझ पाते हैं भगवान को। तो उन्होंने कहा मुझे नवदीप जाना चाहिए, क्योंकि नवदीप में मुझे कृपा प्राप्त होगी और वहाँ पर मैं अपराधों से बच सकूँगा, मेरे से जो मन में भी अपराध हो जाते हैं तो मैं उससे बच सकूँगा। तो हर एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वो किससे बचे, अपराधों से बचे, चाहे वो किसी तरीके का अपराध हो सकते हैं, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध।
तो वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आके फिर वो क्या करते हैं, तो जब वो आ रहे थे वृंदावन से, तो एक्चुअली वो बहुत बूढ़े थे, वो बहुत लोग लगभग 145 साल इस धरती पर रहे, पृथ्वी पर रहे, कितने 145 साल। आप सोच सकते कोई 145 साल रहेगा, नहीं अभी कोई 145 साल वो तो गिनीज बुक में उसका नाम हो जाएगा। वो 145 साल रहे। तो जब वो एक बार आ रहे थे उधर से, तो क्या हुआ कि रास्ते में तो वो एक्चुअली चल नहीं पाते थे, बहुत बूढ़े थे और वो पूरा बैंड होता है। आप उनकी फोटो देखेंगे, परंपरा में उनकी फोटो है, सबसे आखिरी फोटो जो है वो जगन्नाथ दास वज महाराज की, तो पूरा बैंड हो जाते हैं, ये पूरा लटके हुए थे इधर से, पूरा ऐसा ऐसा लगेगा कि अब पूरा फोल्ड कर दिया उनको, है ना, इतने बूढ़े थे। और उनकी आंखें जो थी वो पूरी ऐसी ऐसी रहती थी, वो देख भी नहीं पाते थे, है ना। यदि उनको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों से अपनी आंखों का से उठाना पड़ेगा, और वो देखते थे। और वो चल भी नहीं पाते थे, तो उनका एक नौकर था, उसका नाम था क्या, बिहारी। तो उसने बहुत अच्छे से उनकी सेवा की थी, सेवा करते थे, बहुत हष्ट पुष्ट थे वो। तो क्या करते थे, उनको टोकरी में लेके जाते थे, तो नवदीप से, वृंदावन से नवदीप आते जाते रहते थे, काफ़ी बार आए गए। तो एक बार जब वो आ रहे थे, वो टोकरी में लेके आ रहे थे, सोचिए उधर से कोई अपने गुरु को लेके आ रहा है। हम जनरली अपने गुरु जब आते हैं तो हम उन्हें एयरपोर्ट से मंदिर तक लेके जाते हैं, थोड़ा मंदिर से कहीं और लेके जाते हैं प्रोग्राम के लिए, 10-20 किलोमीटर, वो भी कार में, हमें वो ड्राइव खुद भी नहीं करते, ड्राइवर से करवाते हैं ड्राइव की, आप ड्राइव करो, है ना। लेकिन वो उनको लेके आने कहाँ से, वृंदावन से नवदीप, कहाँ से, टोकरी में। तो टोकरी में लेके आ रहे थे, तो टोकरी में लेके आए थे, तो सामने एक शेर आ गया। अब बिहारी तो डर गया कि अभी क्या करूँ भाई, शेर जंगल है, अरे तो जंगल होते थे, अभी क्या करूँ। तो बेचारा कुछ कह नहीं रहा है कि गुरुदेव को कौन बोलेगा, उनको कौन डिस्टर्ब करेगा, है ना, खाना तो मुझे ही खा के चला जाएगा जो भी, है ना, मुझे खा के पेट भर जाएगा, फिर वो छोड़ देगा गुरु। तो इस तरीके उसका भाव था, वो कुछ नहीं बोला। तो जगन्नाथ दास वही समझ गया कुछ तो है, रुक गया, क्यों रुक गया करके। तो उन्होंने बोला क्यों रुक गए आप, तो कुछ नहीं बोला, उनकी आंखें बंद थी, वो देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला शेर आया है ना, शेर आया ना, बोलते हाँ गुरु महाराज शेर आया है। बोलते वो मेरे दर्शन के लिए आया है, अब डरो मत, आप क्या करो टोकरी को थोड़ा नीचे करो, वो मेरे दर्शन लेगा और चला जाएगा। तो उन्होंने टोकरी को थोड़ा नीचे किया, उनके दर्शन लिए और चला गया। तो क्या वैष्णव लोग क्या होते हैं, इस शारीरिक अवस्था से ऊपर होते हैं, है ना, शारीरिक अवस्था से ऊपर होते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, है ना। सन्यासी का एक बहुत बड़ा, भगवत गीता में बताते हैं, एक बहुत बड़ा गुण, फियरलेस, निडर होते हैं, निडर। निडर क्यों होते हैं, निडर क्यों होते हैं, कोई भी वैष्णव निडर क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की है, भगवान की पैरों को, चरणों को पकड़ के रखा है ना। जितना ज़्यादा हम समर्पित समझेंगे अपने आप को भगवान के चरणों में, उतना हम निडर बन जाएंगे। आप देखेंगे हम जाते हैं रास्ते में, हमें डर लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा, या अलग प्रकार का भक्ति कर पाएंगे, भक्ति में गिर गए तो क्या होगा, भक्ति में पतन हो गया तो क्या होगा। लेकिन जो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है वो निडर होता है, वो क्या होता है, निडर होता है। देखिए एक छोटा बच्चा होता है, वो माँ के गोद में है, ट्रेन में जा रहा है, इतनी भीड़ जनरल में है, वो जा रहा है, माँ की गोद में है, वो उसे डर रहता है क्या, मुझे कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितनी गर्मी है, कितनी हवा है, क्योंकि उसे पता है क्या कि मैं किसी गोद में हूँ, माँ की गोद में हूँ। तो यदि हम जब तक समझने लगेंगे कि हम केवल भगवान की ही सुरक्षा में हैं, ये भगवान ही हमें सबसे ज़्यादा परम सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, उनके अलावा कोई हमारा नहीं है, कौन के कोई हमारा नाथ नहीं है, तब तक वो निडरता जाएगी नहीं। लेकिन जैसे हम ये समझ लेंगे वो निडरता चली जाती है। तो इसलिए हमें अपने आप को समर्पित फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। तो फिर वो शेर वहाँ से चला गया। तो फिर इस तरीके जगन्नाथ दास वज महाराज फिर वृंदावन आ जाते हैं, और यहाँ पर वो भगवान का नाम का जप करते हैं। तो उनके बारे में बताया जाता था कि वो दिन रात जप करते थे, कितना दिन रात जप करते थे, कई बार वो महीनों महीनों तक जप करते थे, कभी कभी खाते थे, 3-4 दिन में एक बार खा लिया तो खा लिया, नहीं तो 3-3 लाख नाम का जप करते थे। 3 लाख नाम मतलब 192 माला। हम लोग 16 माला का जप करते हैं, या कुछ लोग 8 माला का जप करते हैं, है ना, और एकादशी में 25 माला जप कर लिया, लेकिन वो 192 माला का जप करते थे, इतना उनका। तो मोहिमा के बोलो जितने परम हंस होते हैं उतना और साधना भक्ति का और पालन करते हैं,
क्योंकि नाम सबसे जबरदस्त है। यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का रूप गुण लीला सब अपने आप हमको पता चल जाएगा, सब भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान की लीलाएं क्या हैं, वो सब अपने आप पता चल जाएगा। तो वो भगवान का नाम जप करते, तो जप कैसे करते होते, बहुत चिल्ला चिल्ला कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चिल्ला चिल्ला कर क्यों करते थे, क्योंकि माइंड है ना हमारा बहुत ट्रेवल करता है, बहुत परेशान करता है, एक बच्चे की तरह है। अब बच्चे दो मस्ती कर रहे हैं तो हमारे तो कुछ चिल्लाएंगे नहीं तब तक वो शांत बैठने वाला नहीं है ना, उनका चिल्लाए चुप बैठ तो वो चुपचाप बैठता, डर जाता बच्चा। ऐसे माइंड को भी डराना पड़ता है। भक्ति सिंह ठाकुर बोलते थे कि जब सुबह उठो अपने माइंड को किससे मारो, जूतों से मारो, और शाम को झाड़ू से मारो। ऐसा डराना है उसको, डरा डरा रखना है, तभी भगवान का नाम लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। क्योंकि भौतिक मन है ना, उसको आध्यात्मिक मन में परिवर्तित करना है। तो इसलिए ऐसा, तो ऐसा हम देखते हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर हुए उनके शिष्य हुए, शिक्षा गुरु मानते थे उनको, तो उनके और उनके बीच में आपस में क्या होता था, बहुत अच्छा संबंध था। वो संबंध कैसे आया, क्योंकि वो उनके रिस्पेक्ट करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर किसका रिस्पेक्ट करते थे, किसका सम्मान करते थे, जगन्नाथ दास भोजी महाराज का। और जगन्नाथ दास भोजी महाराज किसका, भक्ति विनोद ठाकुर का। देखिए वैष्णव के बीच में रहना है तो सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी वैष्णव के साथ रहें, चाहे हम बड़े के साथ रहें, छोटे के साथ रहें, या हमारे समकालीन जो आसपास के भक्त हैं उनके साथ रहें, सम्मान करना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम सम्मान करेंगे तो ही हम एक दूसरे को सम्मान दे सकते हैं, उनसे हमें सम्मान प्राप्त होगा और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अपने आप अपराध हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। जनरली बड़े लोगों के साथ भी इतना अपराध नहीं होता है, क्योंकि बड़े लोगों को हम खुद रिस्पेक्ट करते हैं, छोटे लोग हमको रिस्पेक्ट करते हैं, और बच्चे इक्वल हमारे आसपास उनको हम ज़्यादा ए करके कुछ भी करके बुला दे और सुन करके ऐसा पागल कहीं कुछ तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड हमारा पुराना क्या था वो हमें नहीं पाना ना, तो हो जाता है। लेकिन हमेशा प्रभु जी इस तरीके से पुकारना चाहिए एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे को बहुत सम्मान करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी हमेशा उनके उनसे बहुत शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, तो उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी क्या करते थे, वो भी ना बहुत चिल्ला चिल्ला कर जप करते थे, हरे कृष्णा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत सारे भक्त बैठे हैं और चिल्ला चिल्ला कर जप करना, मतलब हमें अच्छे सुनाई देना चाहिए। एकदम बाहर हैं तो हम चिल्ला चिल्ला कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि हमारे माइंड को कंट्रोल करना है। बहुत सारी विधि बताई गई हैं हरिनाम चिंतामणि में, अलग अलग शास्त्रों में भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा कैसे भगवान के नाम का जप करना है, है ना। तो भक्ति रहस्य बुक है उनकी एक, तो सॉरी नाम रहस्य करके किताब है। तो वो भी चिल्ला चल, आप जाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर के घर, अभी गोद्रम द्वीप में है ना, हमारे जो मायापुर है वो अंतरद्वीप में है, वहाँ से हम नदी को पार करके जाते हैं, है ना, यमुना नदी, गंगा है और यमुना है उनका संगम है, यमुना नदी को पार करते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आता है गोद्रम द्वीप। तो उनके घर जाएंगे ना तो आप अभी भी देखेंगे कि उनका एक छोटा सा कमरा जिसमें बैठ के वो जप करते थे, वो कमरे की दीवार ऐसे चार चार पाँच पाँच फीट मोटी हैं, क्योंकि इतना तेज जप करते थे कि बाहर के लोगों को सुनाई ना दे, मतलब डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अभी रात में भी जप करते थे। इतनी मोटी मोटी दीवार है क्यों, देखिए शहर में अभी आप कितना भी चिल्ला लो कोई सुनने वाला नहीं, इतना नॉइज पॉल्यूशन है, इतना सिटी का लाइफ है अभी, इतना वाहन चल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन गाँव में 8 बजे सब सो जाते हैं, गांव में 8 बजे सब सो जाते हैं, ये तो वैदिक जीवन है, है ना, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। जल्दी उठने का सबसे बड़ा फार्मूला क्या है, जल्दी सोना है। और हमारे भक्त क्या है, वो थोड़ा अभी टेंडेंसी बनी है। जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज डेज में पढ़ रहा था राउरकेला में, तो हम लोग 4 बजे सोते थे तो मेरा रूममेट उस समय उठता था जिन्होंने मुझे भक्ति में लेके आए, तो वो उठते थे और मैं सोता था। तो ऐसा है, वो 4 बजे सो के फिर 8 बजे 8:30 बजे कॉलेज होता था, तुरंत उठते थे, फटाफट एक छोटा सा नहाया और भाग जाते थे कॉलेज, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सोते जल्दी थे लोग बाग, लेकिन वो तो जप कर रहे हैं, तो जप करते थे तो लोगों को सुनाई देगा, वो डिस्टर्ब होंगे, तो इसलिए वो क्या इतना मोटा मोटा दीवार लगा। तो इसलिए हमें मन को नियंत्रण में करना है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा ऐसा, कई बार कई लोग हम देखते हैं भक्त लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत धीमे धीमे जप करते हैं, इतना धीमा भी जप नहीं करना चाहिए कि हमें भी खुद सुनाई ना दे सबको। यदि हम सर्कल में बैठे तो बाजू वाले को सुनाई ना दे, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए यदि वो बोलता है, तो उससे कम करना चाहिए, लेकिन इतना धीमा भी नहीं करना चाहिए कि हमें खुद ना सुनाई दे, है ना। तो मन में कभी जप नहीं बताया गया है। चैंटिंग मतलब क्या हुआ, चैंटिंग मतलब क्या होता है, बोलना है और सुनना है, ये चैंटिंग होता है जप, भगवान का जप। इसी से शुद्ध होते हैं हम लोग, साउंड वाइब्रेशन इसी से शुद्ध होता है हमारा हृदय। तो इस तरीके से जप करते थे। और उसके बाद
उनका एक, जब वो नवदीप धाम में रहते थे तो वो क्या करते थे, आसपास के जो भी प्राणी लोग हैं है ना, चाहे गाय हो या कुत्ते हो, सबका बहुत सम्मान करते थे। बोलते थे कौन है ये, ये धाम के हैं, ये धाम में रहने वाले क्रिएचर्स हैं, इनका हमें सम्मान करना पड़ेगा, है ना। अभी हम देखते हैं धाम में जाते हैं तो हमें सुअर दिखते हैं, गाय दिखती हैं, कुत्ते दिखते हैं, है ना, तो आसपास के दुकान वाले लोग उनको भगा देते हैं। रूपा जी बोलते थे जो वैष्णव लोग धाम में आते हैं और धाम में आने के बाद क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो क्या करते हैं, एक तरीके से अपराध करते हैं कि धाम में जाकर कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए। धाम में जाकर केवल एक चीज़ करनी चाहिए, भक्ति, वैष्णव सेवा या भगवान के नाम का जप। लेकिन जो रूपा जी बोलते थे जो लोग धाम में आकर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको अगला जीवन किसका मिलता है, धाम में ही मिलता है, किसका, लेकिन जानवरों का। तो कौन थे पुराने जीवन में, वैष्णव थे, तो कभी भी हमें जानवरों का अपराध नहीं करना चाहिए। बंदर हम देखते हैं वृंदावन में जाते हैं तो चश्मा लेके भाग जाते हैं, तो हमें क्या देना पड़ता है, उनको रोटी देना पड़ता है, रोटी देंगे तो ला के दे देते हैं, तो सम्मान करना चाहिए हमें, है ना। लेकिन उनका अपराध तो नहीं करना चाहिए, सम्मान दें चाहे ना दें, लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज बहुत सम्मान करते थे, चाहे वो प्राणी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बहुत सम्मान करते थे। तो एक बार क्या, वो प्रसाद ले रहे थे, उनके नौकर थे बिहारी, उनके शिष्य, तो प्रसाद ले रहे थे, तो उनके घर के पास ना एक जो कुत्ती होती है, कुतिया, तो उसने ना छोटे छोटे चार बच्चों को जन्म दिया, पप्पी छोटे छोटे, तो वो 8-10 बच्चे थे, वो सब आप देखते हैं छोटे, जब छोटे छोटे बच्चे रहते तो वो सब खेलते रहते आपस में, तो वहाँ पर वो खेल रहे थे, तो वो भी आके खाने लग गए, उनको आप भगाओ, भागते नहीं, कुत्ता भाग जाता है, वो नहीं भागते, क्योंकि मासूम है ना, मासूम, तो हम भक्ति में हम बहुत मासूम बन कर आना चाहिए, तो वो मासूम रहते हैं, तो वो आते थे और खाते थे, उनको भगाते थे फिर वो आ जाते थे, फिर भगाते थे फिर वो आ जाते थे, तो बिहारी कर रहे थे ऐसा। लेकिन जगन्नाथ बाबा जी ने, ए उसको क्यों भगा रहे हो, आपको पता नहीं कौन है, धाम का है, धाम का जानवर है, उसको लेके आओ, तो खाने के लिए बोलो। और क्या करते जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उनको खाना देते थे, तो वो खाते थे, और उसके बाद फिर बिहारी उनको देते थे तो खाते थे। तो अब बिहारी को बहुत बेकार लगता था यार, ये आके उनका प्लेट झूठा कर देते कई बार, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बार उनको भगा दिया, कुत्तों को सब पता नहीं कहाँ छोड़ के आ गए। हम ऐसा होता है गांव में, कई बार कुत्ते लोग आ जाते हैं, वहाँ रहते हैं घर के आसपास, तो उनको बाहर कहीं तो छोड़ के आते हैं कि दोबारा ना आएंगे करके, तो उनको बाहर छोड़ के आ गए। जब वो बाहर छोड़ के आ गए तो जगन्नाथ दास बाबूजी खा ही नहीं रहे खाना, बोले मैं नहीं खाऊंगा, पहले लेके आओ, किसको लेके आओ, पप्पीज़ को लेके आओ, वो छोटे छोटे बच्चे कुत्ते को, उनको लेके आओ, तभी मैं खाना खाऊंगा। तो फिर वो लेके आए और फिर उन्होंने उनको खिलाया, तब वो खाए। तो ये होते वैष्णव, वैष्णव क्रिया मित्र विज्ञाना बुझाए, वैष्णव लोग को हम नहीं समझ सकते, उनका करुणा कैसा है, क्या कर रहे हैं। इसलिए वैष्णव जब भी कोई कार्य करता है ना, हमें कभी शक नहीं करना चाहिए क्या कर रहे हैं, और स्पेशली जब कुछ कोटि का वैष्णव, ऐसा क्यों किया उसने, वैसा क्यों किया, वैष्णव के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमारा अधिकार ही नहीं, जिनका अधिकार है वो बोलेंगे, हम उनकी अथॉरिटी नहीं है, है ना। अब जैसे कोई प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट का है हक कि जो नीचे भक्त लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको डांटना, समझाना, उन्हें सुधार लाना, उनका हक है, हमारे अधिकार नहीं है, है ना। तो इसलिए तो वैष्णव को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान क्या, मन क्या, भौतिक मन है, हम मानसिक स्तर पर सोचते हैं, मानसिक स्तर पर, है ना, तो मानसिक स्तर पर सोचते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो आध्यात्मिक स्तर पर होता है, तो मानसिक स्तर नीचे है, हम मन से सोच रहे हैं इसने ऐसा किया होगा, ऐसा किया है हमें नहीं मालूम ना, उसने वैसा किया होगा हमें पता है क्या, नहीं, ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, किसी ने बताया कि नहीं, हम खुद से सोच रहे हैं, और बताने वाला भी कोई होगा तो वो भी हमारे जैसे ही होगा। तो वैष्णव को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वैष्णव को समझने के लिए वैष्णव बनना पड़ेगा, वैष्णव समझने के लिए वैष्णव बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो बहुत सम्मान करते थे, किसका, आसपास के जो धाम के जो वैष्णव लोग हैं, जो सॉरी जानवर हैं या कोई भी प्राणी, उनका बहुत सम्मान करते थे। और एक बार तो उन्होंने क्या किया कि जब वो रहते थे वहाँ पर नवद्वीप में, तो बहुत सारे लोग आते थे, उनको थोड़ा कुछ तो दान देते जाते थे, एक थैली में डालते जाते थे, कभी छूते नहीं थे उसको, कभी रुपया पैसा कुछ छुआ नहीं उन्होंने, कर्म सन्यासी थे ना बाबा जी थे, कभी छूते नहीं थे, थैली रखी थी तो उसमें डाल देते थे जो भी ला के उनको पैसे देते थे। तो उन्होंने देखा वह थैली भर गई है, तो उन्होंने अपने सर्वेंट जो था बिहारी उसको बोला कि आप क्या करो, ये धाम से बहुत सारे रसगुल्ले खरीद कर लेके आओ, क्या करो रसगुल्ले खरीद के लेके आओ, मुझे क्या करना है, तो रसगुल्ले लेके आए। तो उन्होंने सोचा शायद वैष्णव में बांटेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया,
जो नवदीप की जो गायें थी उनको खिलाया उन्होंने। तो ये उनका दया भाव था और रिस्पेक्ट भी करते थे, सम्मान करते थे दाम के प्राणियों का, तो इनकी कृपा थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार उनको लोग बाग ना कई बार फनी समझते थे, फनी है ना, कुछ तो अलग अलग तरीके से कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, है ना, इस तरीके से लोग उनको समझते थे। तो एक बार उनके पास कुछ लोग आए, क्योंकि उनके जो निर्देश थे ना वो भी थोड़े फनी टाइप में थे, फनी समझ रहे हैं ना आप लोग उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मजाक जैसा समझते थे। तो एक बार कुछ वैष्णव लोग आए, उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर आप हमें दीक्षा दीजिए, क्योंकि हमें भगवान राधा कृष्ण की अष्टकाली लीलाओं के बारे में समझना है, तो आप हमें दीक्षा दीजिए। तो जगन्नाथ दास जी का, आप एक काम करो, पीछे जाके बैगन के पेड़ उड़ाओ, पेड़ उगाओ, तब मैं आपको दीक्षा दूंगा। क्या कहा, बैगन के पेड़ उगाओ, तुलसी महारानी की सेवा करो, उसके बाद आपको दीक्षा दूंगा। ऐसा बहुत समय तक चलता था, उन्होंने दीक्षा नहीं दी। तो फिर वो बाद में जाते भक्ति विनोद ठाकुर के घर, कह रहे वो जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज मुझे दीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो बोले क्यों, तो बोले हमने उनको दीक्षा के लिए बोला क्योंकि हम राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं को समझना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप पेड़ उगाओ, बैगन के, आलू के, ये सब मिर्ची उगाओ, खेती करो यहाँ पर। तो बोले हम तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि जैसा वो बोल रहे हैं आप वैसा करो, जैसा आप बोल रहे हैं आप वैसा करो, क्योंकि आप गुरु को, यदि हमें गुरु से कुछ प्राप्त करना है तो कैसे करना पड़ेगा, उनकी सेवा करके, है ना। भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि हमें गुरु की सेवा करके ही हमें उसके बाद प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। तो या उनसे कुछ चाहिए तो पहले सेवा, तो गुरु सेवा, तो पहले जाओ उनकी सेवा करो, क्योंकि बहुत परम स्तर पर है, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे वो, उनका एक वो ट्रांसेंडेंटल नेचर था, दिव्य स्तर पर थे वो, है ना। तो इसलिए कोई भी बाहर के व्यक्ति उनको नहीं समझ सकते, और जनरली ऑर्डिनरी पीपल तो समझ नहीं सकते, क्योंकि भौतिक चेतना वाले लोग हैं ना। अभी लोग बात कहेंगे अरे पागल लोग बैठे हुए यहाँ पर, कुछ श्रवण करना है, कुछ सुन रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम होगा कि लोग कौन है, है ना। क्योंकि भक्ति में आना कोई आसान काम नहीं है, वैष्णव की कृपा से कोई भक्त आते हैं कि उसने बहुत, उसका बहुत बड़ा सुकृति रहा होगा पहले जीवन में, पिछले जन्म में, तभी वो भगवान कृष्ण के चरणों में आता है। इसलिए चेतन महाप्रभु के जन्म उसमें मूवमेंट में आया तो कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं है कोई भी, है ना। चेतन महाप्रभु बोलते थे जिसने हरे कृष्ण मंत्र एक बार बोल दिया उसका सम्मान करो, क्योंकि भगवत में श्लोक आता है या निशा सर्वभूता नाम तस्म जागृति भूतानि, है ना, कि जब वैष्णव लोगों का सोने का समय होता है आध्यात्मिक व्यक्ति का, तब बाहर के लोग जागते, आप भी देखते होंगे। जैसे हम, मैं खुद बता रहा था पहले, अभी भौतिक हूँ मन तो मेरा भौतिक ही है, पहले तो पूरा भौतिक था, अभी अर्ली बाहर रूप से तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो हम 4 बजे सोते थे कॉलेज के समय में, है ना। तो इसका भगवान कृष्ण कहने के 2 तात्पर्य है, पहला तो सच है ना, कि जब भक्ति विनोद ठाकुर 12 बजे उठते थे, श्रील गोपाल जी 12 बजे उठते थे, और उस समय किसका सोने का समय रहता है, बाहर के लोगों का सोने का समय रहता है, 10-11 बजे तो ऑफिस से ही आते हैं हम लोग, फिर खाते हैं, फिर परिवार के साथ बात करते हैं, और फिर 12-1 बजे सोते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या है कि दोनों अपोजिट होते हैं, बाहर के लोग और कौन, साधु, साधु और बाहर के लोग पूरा अपोजिट नेचर के होते हैं, पूरा अलग होते हैं एक दूसरे से, पूरे विपरीत होते हैं, है ना। तो इसलिए बिल्कुल नहीं समझ सकते कौन है साधु। तो इसलिए मैंने क्या बताया कि यदि वैष्णव को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें वैष्णव पढ़ना पड़ेगा, और वैष्णव को यदि हमें समझना है तो उनकी, ऐसा बोला भक्त पता धोनी भक्त पता जल भक्त उठता अवशेष 3 महाबल, है ना। तो यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार उन्होंने क्या किया, अपने एक डिसाइपल था और उसको भी बोला कि आप जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उन्होंने क्या किया, अपने एक शिष्य था लेकिन वो भी अनपढ़ था, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तो अनपढ़ थे भौतिक तरीके से, उनके शिष्य था वो भी एक अनपढ़ था, तो उन्होंने कहा कि आप ये शास्त्र पढ़ो। तो बोला मैं शास्त्र कैसे पढ़ूंगा, मैं तो अनपढ़ हूँ, वो तो हिंदी में नहीं, संस्कृत भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूँ। बोले नहीं आप पढ़ो। तो बोले मैं कैसे पढ़ूँ। बोले आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और पढ़ो। तो उसने बड़े श्रद्धा के साथ भगवान का नाम का जप किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसने जप किया, उसके बाद उसने पढ़ना स्टार्ट किया और सच में वो पढ़ लिया, उसको सब समझ में भी आ गया,
तो ये कैसे पॉसिबल है? एक गुरु की कृपा से ही पॉसिबल है। एक बार शिला प्रपात जी जब अमेरिका गए तो उनकी एक शिष्य थी गोविंद दास जी, माता जी आपने नाम सुना होगा लीलामृत में, आप प्रपात जी की जब जीवनी को पढ़ते हैं तो उनकी एक शिष्य थी गोविंद दासी माता जी। तो गोविंद दासी माता जी को भी उन्होंने कहा, तो प्रपात जी उस समय तो लैपटॉप वगैरह नहीं थे ना, तो टाइप राइटर थे प्रपात जी के पास, जो हम बुक आज पढ़ते हैं प्रपात जी की, इतनी सारी बुक्स है पीछे, वो सब टाइप राइटर प्रपात जी ने लिखी हैं रात रात जग के। तो प्रपात जी ने उनको सेवा दी कि आप टाइप राइटिंग करो, टाइप राइटर पर राइटिंग करो, लिखो मेरे जो लिखे हुए मैंने ट्रांसक्रिप्ट को। तो बोलते, तो उन्होंने प्रयास किया, उनको नहीं आया, उनको प्रपात जी मुझे नहीं आ रहा है, वो अंदर नहीं करो। तो फिर वो वहीं बोले मुझे नहीं आ रहा है। तो प्रपात जी ने कहा, तो प्रपात जी ने उनको कहा कि आप दो मंत्र बोलो आपको आ जाएगा। तो कौन कौन सा? ओम अज्ञान अधिविनंदस्य ज्ञान अंजना शलाक चक्षुरन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कथमहं ददाति स्वपदान्तिकः। ये मंगलाचरण के पहले दो श्लोक हैं, क्योंकि दोनों श्लोक किसको रिफर करते हैं? गुरु को, एक हमारे गुरु खुद के और पूरी परंपरा को, उसमें रूप गोस्वामी जी भी आते हैं, ये दो को। क्योंकि हम गुरु को आशीर्वाद प्राप्त करेंगे ना, हम दुनिया का कोई सा भी कार्य कर सकते हैं, कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर हो, हम आध्यात्मिक स्तर पर की ही बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक स्तर की भी बात कर लेते हैं। यदि किसी ने कुछ प्राप्त किया है ना, तो उसके पीछे किसी का तो हाथ है, वो उसके गुरु का है। ये भौतिक स्तर पर भी है, अब भौतिक स्तर पर होगा तो आध्यात्मिक स्तर पर मिल जाएंगे क्या बिना गुरु की कृपा के? नहीं ना, तो गुरु की कृपा होनी चाहिए। इसलिए बोला गया भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भक्तावशेष तीनों महत्व, कि भक्त जो हमारे गुरु हैं उनके पद की धूलि और भक्त पद जल और उनके चरणामृत, भक्त भोक्ता अवशेष, उन्होंने जो खाया है और जो बचा हुआ है उसके अवशेष को ग्रहण करना। यदि हम इनको ग्रहण करते हैं, ये तीनों महाबल हैं भगवान को प्राप्त, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के चरणों में धूल निकालने लग जाएं, इसका मतलब ये है कि जो उनके जो दिए गए निर्देश हैं उनको पालन करें। उनके दिए गए निर्देश का हम पालन नहीं भी कर पा रहे हैं, खाली प्रयास कर रहे हैं ना, तो कृपा मिलेगी। हम प्रभुपाद जी गए विदेश में, कोई योग्यता थी विदेशी भक्तों की? क्या कर रहे थे वो लोग? हिप्पीज थे, नशा पान कर रहे थे, व्यभिचार में लगे हुए थे। क्या योग्यता थी वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाते? नहीं ना। लेकिन आज भी हम उदाहरण देखते हैं, रूपा जी के बहुत सारे शिष्य जब उन्होंने शरीर त्यागा तो किसका उच्चारण किया उन्होंने? भगवान कृष्ण का उच्चारण किया, भगवान कृष्ण का। योग्यता किसने दी? रूपा जी ने योग्यता दी। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम किसी से योग्यता हासिल करें, वो पात्र बनते हैं हम कैसे? गुरु की कृपा से। लेकिन हमें उनके लिए हैंकरिंग करना है, उनके आदेशों का पालन करना। प्रभुपाद जी के शिष्य किए, बहुत सारे शिष्य कंटिन्यू नहीं कर पाए भक्ति में, कुछ समय के बाद चले गए। एक प्रभुपाद जी को, एक भक्त प्रभुपाद जी ने जापान भेजा, आप जापान जाकर प्रचार करो। प्रभुपाद जी, मैं जापान में जाकर प्रचार कैसे करूँगा? उधर तो केवल मांस मिलता है। प्रभुपाद जी ने कहा आप जाओ प्रचार करो। वो उधर गया, वो साधना भक्ति का पालन नहीं कर पाया, उसका पतन हो गया, भक्ति से चला गया बाहर। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको बोला था कि आप क्या करना, चार नियमों का पालन करो, प्रयास करो, बस प्रयास करो। प्रयास किया उसने, लेकिन किसके? अपने बुद्धि के स्तर पर नहीं गया वो, है ना, जापान। किस लिए गया? क्योंकि प्रभुपाद जी का आदेश था, उसने आदेश का पालन किया। तो जब उन्होंने शरीर त्यागा तो उन्होंने बोला प्रभुपाद यू केम, कि प्रभुपाद जी आप आ गए। जब वो शरीर त्याग रहे तो उन्होंने ऐसा बोला प्रभुपाद जी आप आए हैं। प्रभुपाद जी क्यों आए हैं? उनको भगवत धाम लेने के लिए। तो ये किसकी कृपा है? गुरु की कृपा। तो गुरु की कृपा से ही, इसलिए बोला गया भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भक्तावशेष तीनों महाबल। यदि हम गुरु के आशीर्वाद की कृपा करेंगे या उनके निर्देशों की ओर पालन करेंगे, हमारे गुरु हमें या प्रभुपाद जी हमें आदेश देते हैं कि मेरी बुक्स पढ़ो, मेरी बुक्स को बांटो। हम जाते हैं बुक्स बांटने, कई बार लोग लेते नहीं, लेकिन हम जाएंगे बांटेंगे। नहीं ले रहे लोग तो भी हमें कृपा मिलने वाली, लेकिन हमें बाहर जाना है, बांटना है, लोगों को ज्ञान देना है, बस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भक्त की कृपा से ही हमें भगवान प्राप्त होते हैं। तो भगवान की कृपा से हम भक्त प्राप्त हुए, तो अभी वो भक्तों को पकड़ के रखना है, हमें भगवान भी मिल जाएंगे। और हम देखते हैं कि जगन्नाथ दास सरोज महाराज भी इतने बोल्ड हो गए थे, है ना, हम देखते हैं कि पूरा झुके हुए थे, पूरा बैंड हो गए थे, उनकी आँखों की पंखुड़ी भी ऐसी लटकती रहती थी, उनको हाथों से उठाना पड़ता था देखने के लिए। लेकिन वो अंदर से ओल्ड नहीं हुए,
बाहर से तो अवस्था में बूढ़े बूढ़े दिख रहे थे, अंदर से ओल्ड नहीं है क्या हुआ? भक्ति विनोद ठाकुर पहले नवदीप धाम, हम जानते हैं नवदीप धाम, तो पहले नवदीप धाम को ही सब समझते थे कि ये चेतन महाप्रभु का जन्म स्थान है, किसी को नहीं पता था कि मायापुर करके कोई जगह भी है। क्योंकि जो अभी हम मायापुर देखते हैं वो पूरी पहले मुस्लिम लोगों की बस्ती थी, वहाँ पे मुस्लिम अभी भी जाएंगे बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पे मोहम्मद काजी की भी एक समाधि है ना। काजी तो मुस्लिम हुए लेकिन वो बहुत बड़े वैष्णव बन गए चेतन महाप्रभु के आंदोलन में शामिल हुए, चेतन महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके, तो इसलिए उनकी समाधि हम लोग दर्शन करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो पहले वहाँ पे पूरे मुस्लिम लोग रहते थे, तो अभी और किसी को नहीं पता था कि चेतन महाप्रभु यहाँ पर अवतरित हुए। सब लोग बोलते थे कि चेतन महाप्रभु नवदीप में ही अवतरित हुए, यहीं पे वो जन्म लिए। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को कुछ तो अलग लगता था, क्योंकि जब भक्ति विनोद ठाकुर अपने गौतम द्वीप से ऊपर देखते थे तो वहाँ उन्हें लाइट दिखती थी कुछ, तो ऐसा लगता था बहुत सारे वेस्टर्नर्स लोग आ रहे हैं वहाँ, बहुत बड़ा भगवान चेतन महाप्रभु का आंदोलन चल रहा है, सब लोग बहुत कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ से उन्हें लाइट दिखती थी। तो उन्होंने कहा मुझे खोज करनी होना हो यही चेतन महाप्रभु का क्या है जन्म स्थान है। तो उन्होंने बहुत सारे नक्शे वगैरह बनाए, बहुत दिमागदार व्यक्ति थे कौन, भक्ति विनोद ठाकुर। तो उन्होंने बहुत बड़ी मैप वगैरह से पता कर लिया कि यही चेतन महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। क्योंकि जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा तुलसी ही तुलसी के पौधे हैं, तुलसी के लोग अलावा कोई दूसरा पौधा नहीं है। उन्होंने कहा अरे वो मुस्लिम लोग हैं, ये तो तुलसी के पौधे कभी उगाएंगे भी नहीं, उग रहे होंगे तो भी निकाल देंगे, लेकिन फिर से उग जा रहे हैं, मतलब क्या है यहीं पे चेतन महाप्रभु अवतरित हुए। लेकिन यदि वो कुछ करते तो बाहर बहुत सारे आजकल के ब्राह्मण लोग हैं वो नकार देते। तो भक्ति विनोद ठाकुर को पता था कि मुझे इसकी अधिकार नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के दिन मैं लेके आऊँगा, क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत फेमस हो गए थे नवदीप में, यदि मैं उनको लेके आऊँगा, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हाँ यही है चेतन महाप्रभु का जन्म स्थान, तभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तब हम ये बता सकते हैं कि यही चेतन महाप्रभु का जन्म स्थान है, यदि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बता दिया। तो फिर वो गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके गए। तो जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके जा रहे थे, बिहारी टोकरी में लेके जा रहे थे, चल तो सकते नहीं थे वो, तो टोकरी में लेके जा रहे थे, तो जैसे पहुँचे तो उन्होंने टोकरी से ही ऊपर 7 फीट छलांग लगा दी, कितनी 7 फीट छलांग ऊपर, और ये बोलते यही रे गोरे रे जन्म स्थान, यही रे गोरे रे जन्म स्थान, यही चेतन महाप्रभु का जन्म स्थान है, और कीर्तन करने लग गए। और बाद में फिर वापस उनको टोकरी में लेके आए। तो कहने का मतलब क्या है कि वो बाहर से तो बूढ़े हो गए थे लेकिन अंदर से वो कभी बूढ़े नहीं हुए। तो अब देखते प्रभुपाद जी कितने साल की उम्र में उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, 70 साल की उम्र में। आज आप देखेंगे जो जिस तरीके से प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन होता है, हमारे वैष्णव लोग ही नहीं, जो अवैष्णव लोग हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर की संस्थाओं के लोग हैं, वो भी बहुत प्रभुपाद जी को प्रशंसा करते हैं, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया, प्रभुपाद जी की शिष्य आज आप देखिए कितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं, लगे हुए सेवा में, कंटिन्यूसली सेवा में लगे, क्योंकि बाहर से उनका शरीर ऐसा लग रहा है जीर्ण हो गया है, क्षण हो गया पूरा, लेकिन अंदर से नहीं हुआ है, क्योंकि ये उनको शक्ति प्राप्त है किसके, भगवान की। तो इसी तरीके से हम देखते हैं जगन्नाथ दास बाबा महाराज भी, तो जब भी कीर्तन होता था ना तो पूरा सही हो जाते थे, पूरा सही होते थे, कीर्तन करते थे, और लेकिन जैसे कीर्तन खत्म हुआ तो वापस होते। तो इस तरीके से वो बाहर से तो देख रहे थे बूढ़े हैं और अंदर से, लेकिन वो एकदम पूरा हृदय में पूरा उनका जवान थे। और हम देखते हैं आज हम जो मंत्र गाते हैं पंचतत्व महामंत्र है ना, गाते ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादी गौर भक्त। तो मैं एक लेक्चर में सुना था कि ये पंचतत्व मंत्र जो है ये भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दिया है। किसने दिया है? जगन्नाथ दास, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें हरि नाम को प्राप्त करना है, हरि नाम की कृपा को प्राप्त करना है, तो हम ये पंच तत्व के जो मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य, इसके बिना प्राप्त नहीं कर सकते। इसके पहले भी गाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले चेतन महाप्रभु या पंचतत्व के बारे में मंत्र नहीं था। हम गाते पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ताख्यम, ये भी पंचतत्व मंत्र है, ये भी पंचतत्व मंत्र है। लेकिन ये जो स्पेशल मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादी गौर भक्त, तो ये क्यों स्पेशली हमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दिया। उसके पहले जो मंत्र था पंचतत्वात्मकम कृष्णम, ये हमारे आचार्य लोगों ने दिया, लेकिन ये स्पेशल मंत्र हमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे
कि जब भी आप भगवान के नाम का जप करो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलना पड़ेगा, ये मंत्र बोलना पड़ेगा। ये मंत्र बोलेंगे तभी आप आधिकारिक तौर पर ये भगवान का जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। नहीं तो आपको स्वीकृति मिलेगी भगवान का नाम का जप करने पर। लेकिन यदि आपको पूरा का पूरा लाभ लेना है तो पंच तत्व का ये मंत्र हमें बोलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। और एक हम आखिरी पॉइंट देखेंगे कि वो गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध है। तो उनका शिष्य, जैसे मैंने बताया बिहारी, तो बिहारी बहुत बूढ़ा हो गया था, बूढ़ा नहीं, बूढ़े तो जगन्नाथ समझ में हो गए थे, लेकिन वो भी काफ़ी अभी बीमार हो गए थे, एक बार थोड़े से वो भी ओल्ड हो गए थे, क्योंकि जगन्नाथ दास भगवान 145 साल जिए हैं। कितने, 145, कोई बोलते 135, कोई 145। तो उनके सर्वेंट भी थोड़े बूढ़े हो गए होंगे, तो वो भी बेचारे बूढ़े होते, एक बार बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए, कहीं जा नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे बेचारे, वो लेटे हुए थे। तो जगन्नाथ, तो उनको डॉक्टर के पास दिखाया गया, तो डॉक्टर के पास गए, उनको दिखाया तो पता चला क्या कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे, कल सुबह ही शरीर छोड़ देंगे। कौन, बिहारी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने क्या किया, पहले तो काफ़ी समय से कुछ खाया पिया ही नहीं था, क्योंकि कुकिंग करके कौन देने वाले थे, बिहारी, अभी वो ही नहीं है, वो ही बेचारे बीमार हैं। तो उन्होंने क्या किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और वो बैठ गए, उनके मुँह में भगवान को चरणों में अर्पित किया वो तुलसी महारानी था उसका पत्ता रखा, और बैठ के जप करने लग गए। और 2-3 घंटे ही हुए हैं कि वो बिहारी ठीक हो गया, और इतना ठीक हो गया कि वो उठ के ही उसने बोला कि मैं आपके लिए अभी कुकिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने भी कुछ नहीं खाया है। तो ये होता है गुरु और शिष्य के बीच में एक आदान प्रदान, है ना। कि देखिए, जगन्नाथ दास महाराज को क्या पढ़ी थी कि मैं उपवास रखूँ, लेकिन किसके लिए उपवास रखा, इसके लिए, इनके लिए, बिहारी के लिए। और उनके वहाँ पर उन्होंने कृपा दी उनको, तो वो ठीक हो गए, और ठीक होते से गुरु की सेवा में लग गए। कई बार हम लोग बहाना करते हैं कि बीमार हूँ, आज माला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज ये सेवा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी आप लोग तो ठीक है घर में रहते हैं, लेकिन हम लोग ब्रह्मचारी लोग हैं, आश्रम में रहते हैं, तो कई बार ये हमारे अंदर ये चेतना आ जाती है कि आज बीमार हूँ, आज छोड़ देता हूँ ये सेवा, मैनेजर को बोल देता हूँ, दूसरा कोई डिवोटी को दे देगा ये सेवा। तो लेकिन हम देखते हैं कि गुरु की सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए, है ना। यदि हम तन से नहीं कर सकते तो मन से करना चाहिए एटलीस्ट, है ना, प्रयास करना चाहिए जितना हमें हो सकता है उतना। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरी तरीके से शरीर का ख्याल ना रखें और लग जाएं, है ना। लेकिन हमें अधिकारी, जो हमारे अधिकारी, हमारे काउंसलर्स हैं, जो हमसे वरिष्ठ हैं, उनका हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को कितना वो प्रयास करते थे एक दूसरे को सेवा करने का। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एक दूसरे से अपेक्षाएँ रखें। कई बार वैष्णव बहुत अपेक्षाएँ रखते हैं कि ये भक्त मेरे लिए करेगा क्योंकि मैंने इसके लिए ये किया था। तो ऐसा भी हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सब एक वैष्णव के एक अलग अलग स्वभाव होता है, है ना, वो अलग अलग प्रकार के नेचर से आया हुआ है, स्वभाव से आया हुआ है ना, उसका भी खुद का एक अपना जीवन है, वो भी अलग 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 तरीके से जी रहा है ना। अपेक्षा हमें केवल एक ही चीज़ से रखना चाहिए, किससे, गुरु से और हमारे भगवान से। वैष्णव लोग हमारे लिए हमेशा ही अच्छा करेंगे, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस हम लोग रखते हैं, आशाएँ रखते हैं, और जब वो पूर्ण नहीं होती हैं तो वो किस में बदल जाता है, क्रोध में। तो हमें एक फार्मूला सिखाया गया था, एक्सपेक्टेशंस माइनस अचीवमेंट इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, कि एक्सपेक्टेशंस हम रखेंगे लेकिन हमें उतना मिलेगा नहीं, है ना। आज हम देखते हैं ना बाहर के लोग कि आई आई टी के लिए प्रिपरेशन कर, प्रिपरेशन करता है, नहीं होता आई आई टी, पर क्या हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन हमें ज़्यादा किसी से भी रखना चाहिए ऐसा नहीं है, गुरु और वैष्णव ही है हमारे लिए, और कौन है हमारे जीवन में बताइए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इसके लिए किया तो ये मेरे लिए करेगा, है ना, उसका प्रयास रहेगा, नहीं कर पाएगा कर पाएगा उसके ऊपर है, लेकिन गुरु तो हैं हमारे पास, भगवान तो हैं हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो जीवन था एक बहुत ही उदाहरण के रूप में था, हमें बहुत कुछ दिया है, स्पेशली भगवत भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाएँ जो हमें मिलती हैं, हरिनाम चिंतामणि, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, और उनके शिक्षक कौन थे, जगन्नाथ दास जी महाराज, जो कि पूरे अनपढ़ थे, उनसे उन्हें शिक्षाएं मिली। तो जो भी हम भक्ति कर पा रहे हैं इसमें हमारे भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत बड़ा हाथ है, वैष्णव आचार्य का, वो उन्हें सब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमें भी इन आचार्यों का जो अप्रकट और प्रकट का देन है इसका पूरा लाभ लेना चाहिए, है ना। तो ऐसा बोला जाता है कि
जो जो हमारे आचार्य लोग हैं उनका प्रकट का अप्रकट का दिन हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए दोनों एक ही हैं। हम देखते किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन किसी का मरण का दिन होता है ना, या हमारे दादाजी लोग या कोई भी हैं जो अभी नहीं है, तो हम उस दिन बड़े गुमसुम रहते हैं। लेकिन आचार्य को अप्रकट के दिन भी हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि वो कहाँ गए, वो किसी नरक या स्वर्ग में नहीं गए, वो कहाँ गए, भगवत धाम गए, इसलिए हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए दोनों ही फेस्टिवल्स हैं। तो ये भी आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो हमें भी जगन्नाथ दास जी महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके जैसा जो महासागर जैसा उनके जो गुण हैं उनका एक छोटा सा बिंदु हमें मिल जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसके बाद जगन्नाथ दास जी महाराज ने समाधि ली, नवद्वीप में ही समाधि है उनकी, आप जाएंगे कभी तो नवद्वीप में समाधि है उनकी, मायापुर में समाधि नहीं है, नवद्वीप में समाधि है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, बिल्कुल गंगा के किनारे हैं उनका समाधि, हम लोग एक बार गए थे तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्रयास किया आचार्यों का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि जीवन का यही ध्येय होना चाहिए हमारा कि हम भक्तों का, भगवान का और गुरु का ही ग्लोरी, हरि गुरु एंड वैष्णव, इनका सबका ग्लोरिफिकेशन करते रहें, क्योंकि हम उनके बारे में बोलेंगे, उनके बारे में सुनेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। श्रवण करना है हमें, सुनना है बस, तो सुनने का बहुत महत्व है। तो हालांकि मैंने बोली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं भगवान सॉरी जगन्नाथ दास जी महाराज की शिक्षाओं के बारे में, मैंने बहुत कुछ बोला है शिक्षाओं के बारे में, तो मैं भी ये बोला हूँ क्योंकि मैं भी खुद पालन करने का प्रयास करूँगा, इसलिए मैंने बोला है। ये आप लोगों के लिए था, मेरे लिए भी था, मैं भी हरि गुरु और वैष्णव की सेवा में अच्छे से लग सकूँ और इस तरीके से भगवान का की कृपा हम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा, मुझे कोई गलती होगी तो माफ कीजिएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न ले सकते हैं बस। जी हाँ, गुरु की कृपा है। इसलिए चेतन महाप्रभु जब यहाँ पर आए तो चेतन महाप्रभु कलयुग के एक बहुत, हम देखेंगे जब शंकराचार्य भी आए तो शंकराचार्य ने मायावाद का सिद्धांत दिया। अभी मायावाद का सिद्धांत क्यों दिया शंकराचार्य, कोई कहेगा, तो कारण एक ही था कि देखिए जब हम देखते हैं मंदिर जाते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में क्या होता है कि उनका गोविंद गोविंद होता है, उसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, क्या गुंबद गुंबद बोलते हैं उसको, ऊपर का जो हिस्सा होता है, तो कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पर कई बार पशु पक्षी आते हैं तो कई बार अपना मलमूत्र त्याग करते हैं, तो क्या करते हैं उसके बाजू में, तो वैदिक रीति क्या है कि बाजू में एक पेड़ लगा देते हैं बरगद वगैरह का, तो क्या होता है कि पशु पक्षी उसकी तरफ ना आकर क्या करेंगे, पेड़ में चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए भी तो जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने डायरेक्ट वैष्णव फिलोसफी नहीं दी, क्या दिया उन्होंने, डायरेक्ट वैष्णव फिलोसफी नहीं दी, क्या दी उन्होंने, मायावाद दिया, ताकि जो डेमोनिक पीपल है, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो क्या हो जाएं, अलग हो जाएं, कहाँ पर हो जाएं, थोड़े दूर हो जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने वैष्णव को प्रोटेक्ट किया। और उसके बाद माध्वाचार्य आए, तो हम देखेंगे चेतन महाप्रभु जो सिद्धांत जो लेके आए हैं इसका नाम क्या है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है ये आठ प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, कितने, आठ प्रकार के। वो आठ प्रकार के तत्व कहाँ कहाँ से हैं, ये दो दो तत्व हर एक संप्रदाय से चेतन महाप्रभु ने लिए हैं, इसलिए चारों संप्रदाय आने के बाद चेतन महाप्रभु आए, क्योंकि उन्होंने हर एक अलग अलग तरीके से, तो उन्होंने ये भी सिखाया, उन्होंने ये नहीं सिखाया कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन हमारा थोड़ा उच्च स्तर का है ना। तो चेतन महाप्रभु जब इतना समय तक आए, क्योंकि अभी कलयुग और स्टार्ट हो गया है, तभी तो फिर भी कलयुग थोड़ा ठीक था, लेकिन अभी कलयुग तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, उच्च स्तर पर है अभी कलयुग, और भी हो गया वाला है ना। तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी को भी अभी आना था, हमारे आचार्य लोग को भी अभी आना था, तो सब पहले से भगवान का इच्छा से हो रहा है सब। तो चेतन महाप्रभु का आने का उद्देश्य अभी यही था कि वो चार प्रकार के चार संप्रदाय से दो दो सिद्धांत लेना था उन्हें, और यहाँ आकर उनको बढ़ाना था, और वो अचिंत्य भेद अभेद के तत्व के रूप में, कैप्सूल के रूप में हमको देना था, ये मेरी समझ है। हरे कृष्ण। कोई अनाउंसमेंट पूछिए, और किसी भक्त का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
आपने कभी बताते हुए बताया कि एक्सपेक्टेशन और फ्रस्ट्रेशन जी जी दोनों के इक्वेशन में जैसे आदमी फ्रस्ट्रेशन नहीं जी रहा जी जी और एक्सपेक्टेशन में भी जी रहा पर फ्रस्ट्रेशन को कैसे अपन व्यक्तित्व के जीवन में लगा सकते हैं। वाजिस प्रोजी का क्वेश्चन है कि लोगों के अंदर दोनों है, एक्सपेक्टेशंस भी हैं और एक्सपेक्टेशंस पूर्ण नहीं होती हैं तो तुरंत वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाते हैं। तो हमें फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर करना है, तो इसलिए तो हम लोग यहाँ पर असेंबल हुए हैं। अभी आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो किसी को फ्रस्ट्रेशन आएगा क्या? नहीं। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन अधिकाधिक जो होती है वो भौतिक स्तर पर ही होती है ना, भौतिक स्तर पर। ये भक्त मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, भौतिक स्तर है, क्योंकि हम शरीर के लिए देख रहे हैं ना। तो यदि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये सब चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि ज्ञान क्या है, जड़ विद्या माया रे वो जीवन का गधा, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि भौतिक ज्ञान नहीं, वो तो लोगों को गधा बनाएगा। भौतिक ज्ञान हम अर्जित करेंगे वो लोगों को गधा बनाएगा। ज्ञान क्या है कि हम शरीर है नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। भगवान कौन है, श्री कृष्ण, और हम कौन है, उनके नित्यदास। ये संबंध ज्ञान कि हम शरीर नहीं, हम क्या हैं, आत्मा है। भगवान कौन है, कृष्ण भगवान, और हम कौन है, उनके नित्यदास। उनकी कृपा से हो रहा है सब कुछ। तो जब हम इस बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से जो बाहरी जो स्तर है ना, शरीर का स्तर है, उसके स्तर से बाहर आएंगे, आध्यात्मिक स्तर पर आएंगे। एक्चुअली स्टार्टिंग में हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं भक्तों के बीच में भी, लेकिन जब लोग भक्त ऊपर उड़ जाते हैं भक्ति में, तो फिर वो इस स्तर से ऊपर उड़ जाते हैं, है ना। फिर वो बोलते हैं जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है ना, तो ये सब भगवान के जप करने से होगा। तो भक्तों के बीच में रहेंगे तो ये सब चीज़ें हम से हम ऊपर उड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। चलेगा भाई शरीफ, यस भाई, एक लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण बाबू जी। यस भाई, हरे कृष्ण बाबू जी। मेरा प्रश्न ये था कि चलिए ठीक है, यस धन्यवाद आपका। एक्चुअली प्रहलाद माता अपनी शिक्षाओं में बताते हैं छठवें स्कंद में कि हमें तीन तरीके के संबंध होते हैं, बड़ों से अपने मित्रों के साथ और छोटे लोगों के साथ, है ना। तो बड़े लोगों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटे लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए, और जो इक्वल से हमारे आसपास के सहपाठी लोग हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, है ना। तो बड़े लोगों का तो हम सम्मान करते हैं और छोटे लोग भी हमारा सम्मान करते हैं, तो वो हमारा सम्मान करते हो तो अपने आप ही सम्मान चला जाता है ना। और रही बात इक्वल्स की, तो इक्वल्स से कई बार हम सम्मान नहीं कर पाते। तो आपका प्रश्न था कि हम इक्वल्स के साथ कैसे सम्मान करें। यस भाई, यस भाई। तो इक्वल्स के साथ हम लोग कई बार सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो रूपक गोस्वामी बात हमारे इसमें NOI उपदेशामृत में बताते हैं, है ना, कि हमें इक्वल्स के साथ हमें क्या करना चाहिए, सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो उसके बारे में बताते हैं, वो एक श्लोक आता है, वो श्लोक होता है कि हमें कुछ उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। ये भक्ति में स्तर है एक्चुअली, भक्ति में आगे बढ़ने का, कि कई बार हम उन्हें खाने पीने के लिए जो उन्हें अच्छा लगता है वो हमें देते हैं, है ना। और उन्हें भी क्या होता है कि उन्हें जब लगता है कि ये हमारे कि इनके क्या पसंद है तो हमें देते हैं, है ना, और गिफ्ट्स देते हैं। उन्हें क्या पसंद है वो भुक्ते भोगाए थे सेवा षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये प्रीति के लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण हैं। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कैसे होता है श्लोक याद। यस, ददाति पिट्टि गृह्णाति गुह्यम मख्याति पश्यति भुक्ते भोजाए थे सेवा षड्विधम प्रीति लक्षणम, कि हम उनको गिफ्ट देते हैं वो हमें गिफ्ट देते हैं, हम उनको कुछ खाने के लिए देते हैं वो हमें कुछ खाने के लिए देते हैं। तो पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि वैष्णव है, हम सम्मान क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम उनको भौतिक स्तर पर देखते हैं। ये मेरा मित्र है ये मेरा मित्र है, मेरे साथ पहले अभी पढ़ रहा था साथ में, है ना। लेकिन जब हम समझते हैं कि वैष्णव है, ये किसका दास है, मेरा दास नहीं, किसका दास है, विष्णु का दास है, भगवान कृष्ण का दास है, तो फिर हम उसका सम्मान करेंगे। यदि हम सोचेंगे हमारा दास है तो इसलिए हमें दास बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या बताया कि वैष्णव को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वैष्णव बनना पड़ेगा, है कि नहीं।
यदि हमें यदि कोई चौथी क्लास का बच्चा है या फिर हम समझ सकते कोई हाई स्कूल प्राइमरी टीचर है फिफ्थ क्लास में पढ़ाता है वो, अभी उसे समझना है कि भाई मैसेचर इंस्टीट्यूट में एमएस में क्या पढ़ाया जाता है, तो समझ सकता है क्या? नहीं। उसे क्या करना पड़ेगा? उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसे भी कुछ तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, तब जाके वो समझ सकते कि वो एमएस के टीचर है, एमएस जो करवाता है, जो डिग्री देता है, वो क्या करता है, क्योंकि ऊपर का स्तर है ना, तो इसलिए भी हमें वेस्टर्न बनना पड़ेगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा बताते हैं यशस्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणस्तत्व समासते सुरा। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जीवी देवता के जो भी गुण हैं वो अपने आप आ जाते हैं हमारे अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली हम भक्ति करने और गुणों को अपनाए नहीं, कहें वो तो अपने आप आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो इसलिए भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि हमें जो गुण हैं उनका भी पालन करना चाहिए, क्योंकि उनका गुण है तभी हम उन गुणों का पालन करेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे। तो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चलने चाहिए कि हमारी भक्ति भी चलनी चाहिए और साथ ही साथ वो गुण है वो भी हमारे अंदर करने कल्टिवेट करते जाने चाहिए, अपनाते जाने चाहिए, और धीरे धीरे हम लोग उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम समझ पाएंगे कि हाँ ये हमारा दास नहीं, हम इसके दास हैं। तो हर एक चीज़ कहीं पर भी आएगी तो एक ही चीज़ में उसका आंसर मिल जाता है कि हमें बॉडीली कंसेप्शन है कि सारे के स्तर से नीचे निकलना है, आत्मा के स्तर से पहुंचना है बस। हरे कृष्ण, हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील पाद की जय।